बना लो यार, बीच में आ जाओ। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं राज कमल यादव और पप्पू, ग्राम प्रधान हूँ पणवार, विकास खंड गणवार, तहसील और जिला बलिया। जी, आज कहाँ पर आए हुए आप? मैं डीएम साहब कार्यालय में आया हूँ। डीएम साहिबा को मैं एक पत्रक देने आया हूँ। मेरे यहाँ विद्यालय की जमीन जो है कब्जा हो रही है। सत्ता पक्ष के दबाव में एडीओ, पंचायत सचिव और बीडीओ को दबाव बना करके, एसडीएम को दबाव बना करके 15,000 जमीन जो है विद्यालय की छोड़ करके और उसकी बाउंड्री कराई जा रही है। जी, आपकी मांगे क्या है? मेरी मांग ये है कि उसको पैमाइश करके सही तरीके से उचित जो हमारा रकबा है 108 जो है विद्यालय का, उसको नाप करके तब बाउंड्री हो। मैं चाहता था, मेरा कार्यकाल 24 तारीख को खत्म हो गया, 24 दिसंबर को। हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन सत्ता दबाव में न लेखपाल गए नापने के लिए, न एसडीएम साहब मेरी बात सुने जो है। उसके बाद मैं पत्रक देता रहा, मैं जनसूचना में भी डाला जो है। 13/3/2021 को लेखपाल गए, ऐसा ही जो है गए, आइए प्रधान जी मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे खुश नहीं किए जो है, संतुष्ट मैं नहीं हुआ नापी से। मात्र 93,000 जो है रकबा दिखाकर हमको चले दिए। हमने कहा भी खूंटा गाड़ दीजिए कम से कम, तो एक सीमांकन हो जाए कि हाँ बिदाजी में कहाँ ले जा रही है। अरे चल जाइए, फिर दोबारा मैं आऊँगा, उसको टाल दिए सत्ते के दबाव में जो है। जी, जमीन कितना है? जमीन जो है 108 हेयर है। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? वो एक है जो है बगल में, क्या नाम है उनका? उनका नाम जो है चंद्रमा यादव जी हैं और विक्रमा यादव, सन ऑफ गणेश। वो लोग जबरदस्ती जो है विद्यालय की जमीन कब्जा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ जो है कि भाई आप लोग जो है पैमाइश करा करके अपना जुड़वा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि आप जाइए, हम लोग जो हम लोग करेंगे अपनी मर्जी से, दबंगई से जुड़वा रहे हैं। और कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप कदम रहेगा? अरे मैं जाऊंगा, इससे ऊपर कोर्ट में जाना हो कोर्ट में जाऊंगा जो है। वो विद्यालय की जमीन सबकी जमीन है जो है, सबकी मैं रक्षा के लिए प्रधान बना हूँ। फर्क इतना ही है कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है, जब तक मैं था उसकी रक्षा किया, अब मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है जो है, जबरदस्ती जो है सत्ता के पक्ष में जो उसको जबरदस्ती जो है उसको बनवाया जा रहा है। एडीओ और बीडीओ पर जो है सचिव पर दबाव डाला करके जो है 50 लोगों को फोन करेंगे। ऋषि साहब संग्राम जी, उपाध्याय जी, जसपाल जी, राजन कनौजिया जी, टेलीफोन कीजिए। 1 घंटे के अंदर इस कलेक्ट्रेट को भरने का काम किया जाएगा। बहुत कितना खराब मिजाज है कलेक्टर का, कलेक्टर का मिजाज कितना खराब है। एक तरफ जहां देश के गवर्नर साहिब आती है और घोषणा कर जाती है कि अब चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का अगला दीक्षांत समारोह बसंतपुर में नहीं मनाई। भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 दिसंबर 2016 को चंद्रनायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उस विश्वविद्यालय में पैसा दिया था, काम शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने काम भी रोकवा दिया और एक साजिश के तहत महामहिम गवर्नर साहिबा ने दूसरे दीक्षांत समारोह में घोषणा कर दिया कि यहां विश्वविद्यालय नहीं रहेगा और एक रुपया भी खर्चा नहीं होगा। इसके लिए पूरा बलिया उद्वलित है, आंदोलित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि ईंट से ईंट बजा दीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय को बसंतपुर से जाने मत दीजिए। हम लोग अपने नेता के निर्देश पर आज पत्रक दिए हैं। 15 दिन के अंदर अगर महामहिम राज्यपाल ने खेद नहीं व्यक्त किया, विश्वविद्यालय में काम प्रारंभ नहीं हुआ, तो बलिया के लोग विश्वविद्यालय में बीसी का घेराव करेंगे और जरूरत होगी तो गवर्नर हाउस को भी घेरने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जाने का हम लोग काम करेंगे और इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। आप कहना चाहते हैं कि या विश्वविद्यालय के विकास की बात? हमने तो कहा ही नहीं, हम लोगों ने तो पैसा दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास किया, ये मंत्री जी जिन्होंने बयान दिया है वो क्या होते हैं शिक्षा विभाग के? न शिक्षा विभाग के मंत्री है, न बीसी है, न गवर्नर है। तीन ही जगह से शिक्षा विभाग डील होता है, ये तो पता ना कौन राज्यमंत्री है, मैं नहीं जानता। अगर मंत्री ने कहा है कि वीसी झूठ बोल रही है तो वीसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर मंत्री जिस दिन कह देगा कि गवर्नर झूठ बोल रही है
तो गवर्नर के खिलाफ होगा तब हम मानेंगे कि मंत्री सही में, मंत्री तो बहुत झूठ बोल रहा है, मंत्री तो पूरा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। तो उसमें भी है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, चाहे गवर्नर कहे, चाहे जोगी कहे, चाहे मोदी कहे, समाजवादी पार्टी बलिया विश्वविद्यालय बसंतपुर में ही रहेगा। और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। 22 में माननीय अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर इजी साहब संग्राम सिंह यादव जी, राम गोविंद चौधरी जी मंत्री बनेंगे और फिर एक बार बलिया में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।